नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल Rpspawan को। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक-टॉक्स के बारे में। तो हाल ही में चाइना में अपना Xiaomi ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, Xiaomi स्मार्ट नोट पैड। ये काफ़ी बेहतर नोट पैड है। इसमें आप वन साइड लिखेंगे तो लेफ्ट साइड को ऑटोमेटिक उसका विवरण प्रिंट निकल कर आ जाएगा। काफ़ी शानदार है ये। जैसे कि कोई पिक्चर बनाते हो आप या कोई स्केच बना रहे हो तो वो इसमें आपको बड़े ईजिली इस साइड में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो वैसे मैं बताना चाहूँगा, Xiaomi ने काफ़ी प्रोडक्ट में अपना इम्प्रूवमेंट कर लिया है, जैसे कि प्रेशर कुकर, हीटर और वॉशरूम के जो टिश्यू पेपर वगैरह वगैरह काफ़ी है Xiaomi के। जो अब आखिर तक जूते भी Xiaomi के आ चुके हैं। Xiaomi दिन प्रतिदिन अपना काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा है। यदि इनका दाम थोड़ा कम आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं Samsung S10 डिज़ाइन के बारे में, जो कि 2019 में नया फीचर के साथ लॉन्च होने वाला है। इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नॉच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको बेजल्स भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही जो इसमें कैमरा है वो इसमें इन डिस्प्ले में बताया जा रहा है। तो हो सकता है सैमसंग कुछ नया कमाल करने जा रहा हो इस नए साल पे 2019 में। तो देखते हैं जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो इसके क्या क्या फीचर किस तरह से हमारे को देखने के लिए मिलेंगे सैमसंग की ओर से। तो चलिए बात करते हैं फेसबुक के बारे में। तो मार्क जकरबर्ग ने काफ़ी बड़ा काम शुरू कर दिया है। वैसे काफ़ी पिछले काफ़ी समय से जब से इनके अकाउंट हैक किए जा रहे हैं फेसबुक के, तब से इन्होंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया है। मार्क जकरबर्ग का कहना यह है कि पिछले दो क्वार्टर में उन्होंने 1.5 बिलियन अकाउंट फेक अकाउंट को अपने फेसबुक के प्लेटफॉर्म से हटा दिए हैं। तो ये एंजल प्रिया, एंजल फलाना डिमका, तो अब आपका नंबर आने वाला है। थोड़ा होशियार रहिए, फेसबुक पे फेक अकाउंट जल्द से जल्द क्लोज होने वाले हैं जितने भी बने हैं। आप खुद एस्टिमेट लगा लीजिए, 1.5 बिलियन, एक तो था मिलियन, उसके बाद आता बिलियन, तो उतने अकाउंट फेसबुक के प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए हैं, उन अकाउंट को उड़ा दिया गया है। तो मार्क जकरबर्ग ने अब जाकर काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस अपने इम्प्रूवमेंट लाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी कि आपके अकाउंट जो हैक हो रहे थे थोड़ा आप उन्हें इम्प्रूवमेंट कर रहे हो ताकि फ्यूचर में दोबारा हैक ना हो। तो चलिए बात करते हैं Vivo X23 सिम्फनी एडिशन के बारे में। ये फ़ोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है Vivo की ओर से, जिसमें कि आपको इसका जो स्नैपड्रैगन है वो 670 का है। साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको नॉच भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही बात करूँ फ्रंट फेसिंग कैमरे की, तो वो आपको मिलेगा इसमें 24.8 मेगापिक्सल का। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ स्नैपड्रैगन्स के बारे में, जैसे कि 670 हो गया, 610 हो गया और 710 हो गया। इस तरह के जो स्नैपड्रैगन है, यदि हो सके कोशिश इनकी कम कीमत में लाने की, तो हम सभी के लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहे हमारे चैनल को, और चैनल देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।